हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम अभय एंड यू आर वाचिंग टेक्नल टेक। तो हमारी पहली न्यूज है देश के सबसे पॉपुलर गेम में से एक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। दोस्तों, इसका नया अपडेट सीजन 6 वर्जन 1.0.12 आ गया है और इस अपडेट में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। इसके नए अपडेट का टाइटल है वंस अपॉन अ टाइम इन रश। ये अपडेट बिल्कुल नए मैप रश मैप के साथ आया है और इसमें आप 2v2 शोडाउन मैच भी खेल सकते हैं और रैपिड फायर एंड हार्ड पॉइंट मोड भी आए हैं। और एक और नया मैप सलून मैप भी आया है, इसमें आप 1v1 ड्यूअल मैच भी खेल सकते हैं और ये मोड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आपको 20 मई तक देखने को मिलेगा और फिर आप इस मोड को खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ कैप्चर द फ्लैग गोल्ड गेम भी आया है, इसमें आप डिफेंड कर सकते हैं जिसको आप किल कर चुके हैं, उसके डॉग टैग को कलेक्ट करने होंगे और खेलने के बाद बताइए कि कैसा लगा आपको। इसमें आपको बैटल रॉयल मोड में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे क्रैश, किल हाउस, डिनर, स्टैंड अप, ये सारे लोकेशंस को ऑप्टिमाइज किया गया है और बिल्कुल नए वेपन्स भी ऐड किए हैं कंपनी ने, जैसे S36, GKS, एनहिलेटर रिवॉल्वर और कुछ लेजेंडरी अटैचमेंट्स भी हैं। और कंपनी ने ये भी बताया है कि बैटल रॉयल मोड में गोल्ड थीम इवेंट भी आएगा और बैटल रॉयल मोड में एक नई क्लास भी ऐड की गई है जिससे अब आप इनविजिबल हो सकते हैं और इस क्लास का नाम है पोल्टरगीस्ट। आप इस अपडेट को एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर और iOS के ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी दूसरी टेक न्यूज़ हुआवे कंपनी की तरफ से कि नए अपकमिंग स्मार्टफोन हुआवे पी स्मार्ट 2020 के प्राइस स्पेसिफिकेशंस को लेकर। दोस्तों, इससे पहले हुआवे ने हुआवे पी स्मार्ट 2019 में लॉन्च किया था और अब हुआवे पी स्मार्ट 2020 एडिशन आ रहा है। इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको इसमें डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का टच सेंसर हो सकता है और इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का हो सकता है जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच होगा। इसमें आपको 6.21 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले पैनल वाला स्क्रीन देखने को मिल सकता है और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट में गायरन 710F SoC ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसमें डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये फोन USB टाइप सी सपोर्ट करेगा। तो ये थे कुछ लीक हुआवे पी स्मार्ट 2020 के बारे में। हमारी तीसरी टेक न्यूज है Xiaomi की तरफ से इसके नए स्मार्टफोन Xiaomi Mi Note 10 Lite के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, परसों ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ Xiaomi Redmi Note 9 सीरीज से एक स्मार्टफोन को भी उतार सकता है जो बताया जा रहा है Redmi Note 9 हो सकता है के भी स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। हम पहले बात करते हैं Mi Note 10 Lite की, तो इसमें 6.47 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है और इस फोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 730G प्रोसेसर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसमें क्वाड कैमरास के सेटअप दिए गए हैं। इसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा होगा कि बैटरी 5260 mAh की हो सकती है के साथ 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। और अब बात करते हैं Redmi Note 9 की, तो इसमें 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया जाएगा और इस फोन में MediaTek Helio G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस स्मार्टफोन में 5020 mAh की बैटरी हो सकती है और 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। तो ये थे दोनों फोन्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगता है। हमारी चौथी टेक न्यूज है ओप्पो कंपनी की तरफ से नए अपकमिंग स्मार्टफोन ओप्पो A92। फ्रेंड्स, ओप्पो A92 के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं और इसका एक कलर अरोरा पर्पल कलर वेरियंट भी सामने आया है। तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले पैनल हो सकता है। ये फोन एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। इस फोन में क्वाड कैमरा के सेटअप होंगे का प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का हो सकता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा होगा और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। ये स्मार्टफोन ओप्पो का UI कलर और 7.1 जो एंड्रॉइड 10 बेस्ड होगा और इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी भी हो सकती है। और अब बात आती है इसके प्रोसेसर की, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 665 SoC प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड बताया जा रहा है। ये स्मार्टफोन 3 कलर्स में आएगा, पहला तो अरोरा पर्पल कलर है और दूसरा शाइनिंग व्हाइट और एक ट्यूबी लाइट बैक कलर देखने को मिलेगा। हमारे लास्ट न्यूज है वीवो कंपनी की तरफ से का नया स्मार्टफोन वीवो G1। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये फोन 5G होने वाला है और ये स्मार्टफोन में भी मई में चाइना में लॉन्च होगा। इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं, जैसे 6.44 इंच का फुल HD प्लस
एमुलेट डिस्प्ले विद अ ड्रॉप नॉच हो सकता है। इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरास के सेटअप होंगे विद 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और दो कैमरास 2 मेगापिक्सल के होंगे। अभी इन दोनों कैमरास के बारे में तो कुछ सामने नहीं आया है और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है। ये स्मार्टफोन 4500 mAh बैटरी के साथ आ सकता है विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और इसका प्रोसेसर सैमसंग का एक्साइनोस 985G प्रोसेसर बताया जा रहा है। दोस्तों यही प्रोसेसर आपको वीवो S6 5G में भी देखने को मिलेगा और वीवो G1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक न्यूज के साथ। बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।